दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। किस्मत और मेहनत दो चीजें हैं जिनके पास हैं वह जीवन में हमेशा कामयाब होते हैं। मेहनत तो आपकी अपनी चीज होती है, लेकिन किस्मत हर व्यक्ति की अपनी नहीं होती। कुछ लोगों की किस्मत उनके बच्चों से तो किसी की माता पिता से, जबकि कुछ लोगों की जीवन साथी से जुड़ी होती है। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग खूब संघर्ष कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विवाह के बाद उनके जीवन में अचानक से बदलाव होते हैं और किस्मत उन पर मेहरबान हो जाती है। उसके बाद उनका उन्नति शुरू हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की कुंडली में नौम भाव को भाग्य स्थान बताया गया है और सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। कुंडली के इन्हीं दोनों घरों के विश्लेषण से पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का जो भाग्योदय है वह शादी के बाद होगा या नहीं। इसके साथ ही कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग होते हैं जो शादी के बाद भाग्योदय की ओर इशारा करते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियोस के माध्यम से कि कुंडली के वह कौन से योग हैं जो शादी के बाद व्यक्ति का भाग्योदय कराते हैं, भाग्योन्नति कराते हैं। तब शादी के बाद किस्मत चमकती है। पहला जो है, जिस व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव का कारक ग्रह एवं सप्तमेश की स्थिति बलवान है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। दूसरा जो है, यदि व्यक्ति की कुंडली में सप्तमेश यानी सातवें भाव का स्वामी जैसे मेष राशि में सातवें घर का स्वामी शुक्र होता है, अगर इनकी कुंडली में या आपकी कुंडली में या जातक की कुंडली में शुक्र अपनी उच्च राशि यानी मीन में हो, स्वराशि यानी तुला या वृष में भी हो और शुक्र की दृष्टि भाग्य या विवाह स्थान पर हो, तब विवाह के बाद व्यक्ति की किस्मत के जो है दरवाजे खुल जाते हैं, चतुर्विध इनकी उन्नति होने लगती है। तीसरा जो है, सप्तमेश और नवमेश यानी भाग्येश का राशि परिवर्तन भी लाइफ में जीवन साथी के आगमन के बाद विशेष भाग्योदय कराने वाला होता है। इस गणना के हिसाब से अगर कुंडली में सातवें स्थान में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह नवम भाव में और नवम भाव में जो स्वामी है उसका स्वामी ग्रह सातवें घर में आ जाए, तो इस तरह का शुभ योग बनता है जो विवाह के बाद भाग्योदय कारक होता है। यह भाग्योदय कराने वाले ग्रह होते हैं। चौथा जो है, शुक्र का दशमेश और भाग्येश के साथ होना भी जीवन साथी के भाग्य से सफलता और भाग्योदय कराता है। यानी आपको बता दें कि कुंडली के नौम भाव में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह और नौम घर में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह अगर कुंडली के साथ हो, तब विवाह के बाद भाग्योदय योग बनता है। ऐसे भाग्योदय योग बनते हैं। पांचवा जो है, कुंडली की व्यक्ति की कुंडली में सप्तमेश का नौम या दशम भाव में स्थित होना या दशमेश का नौम या दशम भाव में को देखना भी विवाह उपरांत विशेष सफलता और भाग्योदय देता है, यह उन्नति देता है। छठा जो है, सप्तम स्थान के कारक गुरु और शुक्र बलि अवस्था में हो, साथ ही सप्तम स्थान या सप्तमेश को प्रभावित करे तो व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्योदय होता है, विवाह के बाद उन्नति होती है। सातवां जो है, सप्तमेश का धन स्थान या लाभ स्थान पर स्थित होकर शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना विवाह उपरांत भाग्योदय करवाता है। ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनका जीवन साथी या तो धनी घर से संबंध रखता है या बड़ी ही भाग्यशाली होता है, मतलब मिट्टी छुए सोना हो। तो अगर आपके भी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं तो आप अपनी कुंडली में यह योग को देखिए, इस योग के लिए उपाय कीजिए, इस योग की मजबूती के लिए आप
पूजन पाठ जो उपाय हमारे शास्त्र में बताए गए वह करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।